गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैकल्टी ऑफ मैथ्स। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3D पार्ट टू। पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने मल्टीपल्स जो हैं फाइंड करने सीखे थे। सो पार्ट्स बी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना हम सिखाएंगे। ओके, इसमें फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें ये जो नंबर्स दिए हैं इसके हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का मल्टीपल मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल मेथड में हमने क्या करना है, पहले 6 का क्या निकाल लेना है, सारे मल्टीपल्स निकाल लेने हैं। मल्टीपल्स 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ये इस तरह से करके हमने 60 तक इसके मल्टीपल्स निकाले। और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, सो हम 60 तक यहाँ पर राइट कर रहे हैं। बाकी डॉट डाल के हम लिख सकते हैं कि आगे और भी इसके मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के भी हमने मल्टीपल लिख लिए, 10 20 30 40 50 60 अप टू। इसका मतलब होता है अप टू और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल्स, क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। ओके, अब क्या करना है, हमने जब दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड कर लिए तो इन दोनों नंबर्स में से हमने क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेना है कि जो दोनों में कॉमन मल्टीपल हो। तो देखते हैं सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या आता है। 6 इसमें है पर इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 24 इसमें नहीं है, 30 पहला मल्टीपल हमें क्या मिल गया, 30 जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहला मल्टीपल हमारा क्या हो गया, 30। नेक्स्ट मल्टीपल हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें से ये सारे इसमें मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट मल्टीपल आपका क्या है, फाइंड आउट हुआ 60। तो नेक्स्ट मल्टीपल आपको 60, ओनली 2 मल्टीपल हम फाइंड करेंगे और यहाँ पर अप टू डाल देंगे क्योंकि आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स इसके होंगे, हमें सिर्फ 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो 2 कॉमन पहले फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आए, इनमें से जो छोटा मल्टीपल होगा, जो पहला मल्टीपल होगा कॉमन मल्टीपल, जो इनमें से छोटा मल्टीपल यानी पहला मल्टीपल होगा, लोएस्ट मल्टीपल होगा, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह से इसका एलसीएम